हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न अबाउट ए न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के टाइप्स पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ ए टूथ पढ़ा था, अब टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं दांत। ठीक है, टीथ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ टीथ, यानी दांतों के जीवन के आधार पर मोटे तौर पर जो है दांतों को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। दे आर आल्सो क्लासिफाइड इन टू फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ, और दांतों को उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर उनको चार प्रकार से बांटा गया है, चार तरीके से उनको वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट देखिए, जो टू टाइप्स बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं इसके अंदर, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। जो बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ टीथ यानी कि उनके जीवन के आधार पर, एक तो टेम्परेरी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। फिर दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर उनको चार तरीके से बांटा गया, इनसीजर, सीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ये हैं चार टाइप्स टीथ के। पहले क्या है, सेट ऑफ टीथ। टीथ का जो सेट होता है वो कैसे होता है कि जनरली देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमन बींग, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। जो जनरली जो होता है ना, वो हमारे जो एक ह्यूमन बींग है, एक मानव जाति है, उसके अंदर जो है वो टू तरह के टीथ पाए जाते हैं। एक तो मिल्क टीथ होते हैं जो बच्चे के जन्म के बाद आते हैं, वो तो होते हैं मिल्क टीथ, और वो जैसे ही टूट के गिर जाते हैं 6-7 साल की एज में, उसके बाद कहते हैं उनके परमानेंट टीथ आते हैं जो नहीं टूटते। ठीक है जी, वो जब तक जिंदा रहते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तब गिरने शुरू होते हैं। ठीक है जी, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है, व्हेन ए बेबी इज बोर्न, बच्चा जब जन्म लेता है, सी हैज नो टीथ, उसके कोई दांत नहीं होता है, ये बात बोली गई है। सी गेट्स हर फर्स्ट टूथ व्हेन सी इज अराउंड 6 मंथ ओल्ड, उसको क्या होता है, शी गेट्स हर फर्स्ट टूथ, उसका जो पहला दांत है जब सी इज अराउंड 6 मंथ ओल्ड, वो 6 महीने का हो जाता है, उसके क्या होता है, एट द एज ऑफ 3, जब वह 3 साल का हो जाता है, सी हैज़ 20 teeth इन टोटल, उसके कहते हैं 20 दांत आ जाते हैं टोटल, 10 इन द अपर जार एंड 10 इन द लोअर जार, यानी ऊपर वाली जो होते हैं वो आ जाते हैं उसके 10, वो नीचे वाले आ जाते हैं 10। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और बेबी टीथ और टेम्परेरी टीथ, 3 नाम दिए गए। देखो ये जो दांत जो आते हैं ना बच्चे के जन्म के बाद उसके 3 साल में, उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, बेबी टीथ एंड टेम्परेरी टीथ। देखो 3 नाम दिए गए हैं। दीज आर द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ, ये जो है दांतों का पहला सेट होता है, परमानेंट टीथ, व्हेन ए चाइल्ड इज अराउंड 6 ईयर्स ओल्ड, जब वह 6 साल का हो जाता है, द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल, उसके जो मिल्क टीथ है, जो दूध वाले दांत है, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। न्यू टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ ओल्ड टीथ, उसकी जगह पर जो है, जैसे ही उनके जो ओल्ड टीथ गिरते हैं, नए टीथ आने शुरू हो जाते हैं। द सेट ऑफ न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, जो नए दांत आते हैं ना, नए दांतों का जो सेट आता है उसका, धीरे धीरे उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। दे ग्रो ग्रेजुअली रिप्लेसिंग मिल्क टीथ, जो क्या है, रिप्लेस हो जाते हैं कहाँ पे, मिल्क टीथ की जगह। दीज आर 32 इन नंबर, वो 32 होती है संख्या में, 16 इन द अपर एंड 16 इन द लोअर, 16 ऊपर और 16 नीचे। इफ़ परमानेंट टीथ डीके और फॉल ऑफ, नो न्यू टीथ विल ग्रो, अगर इनमें से कोई भी दांत खराब हो जाता है या गिर जाता है, उसकी जगह कोई नया दांत नहीं आता। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ, तो आपको अपने दांतों की अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उनकी साफ सफाई का उनको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फोर टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप के टीथ बताए गए ना ऊपर, उनमें से क्या है, एन अडल्ट ह्यूमन बींग हैज 4 टाइप्स ऑफ टीथ, एक जो जवान बच्चा जो होता है, जवान व्यक्ति जो होता है, उसके क्या होते हैं, 4 तरह के टीथ होते हैं, दे आर इंसीजर्स, कैनियंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स, सीजर्स में क्या कहा गया, दे आर द फ्रंट टीथ, ये फ्रंट टीथ होते हैं, विच आर मीन्ट फॉर कटिंग एंड बीटिंग, यानी काटने और बीटिंग, मतलब किसी चीज़ को काटने के लिए और किस चीज़ को खाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दे आर 8 इंसीजर, ये 8 होते हैं, 4 इन द अपर
एंड फोर इन द लोअर जार। आप किसी भी चीज़ को काटते हो, सपोज करो आप एप्पल खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, तो आप क्या करते हो, सामने वाले दांतों से आप उसको तोड़ते हो ना, तो किसी चीज़ को काटने के लिए या तोड़ने के लिए इन दांतों का यूज़ किया जाता है। चार ये आगे वाले जो होते हैं ऊपर के और चार नीचे वाले, ओके बेटा, ये होता है इंसीजर्स दांत। अभी आपने अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझानी है अच्छे से, ओके बेटा। तो ये आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी जो आगे के तीन जो रह गए हैं जैसे कि ये वाले, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस।